दोस्तों डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 का 30 सितंबर को ग्रैंड फिनाले हुआ और दोस्तों इसमें समर्पण लामा ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से पहले टॉप 5 फाइनलिस्ट में जगह बनाई और फिर शो के इस सीजन की चमचमाती ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। जी हां, यानी कि दोस्तों समर्पण बने इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के विनर। बता दें दोस्तों शो के ग्रैंड फिनाले में कंटेस्टेंट समर्पण लामा के साथ टॉप 5 फाइनलिस्ट में शिवांश सोनी, अनिकेत चौहान, अंजलि गई और दोस्तों विपुल कांडवाल भी थे। लेकिन दोस्तों फिनाले के एंड में पुणे महाराष्ट्र के इस धुरंधर यानी कि दोस्तों समर्पण ने बाजी मार ली और शो का टाइटल जीत लिया। जी हां, वहीं दोस्तों कंटेस्टेंट विपुल कांडवाल 5th पोजीशन, अनिकेत चौहान 4th पोजीशन, शिवांश सोनी 2nd रनर अप, तो वहीं दोस्तों अंजलि ममगई 1st रनर अप रही। दोस्तों इनके प्राइज मनी की बात करें तो आपको बता दें कि विनर समर्पण लामा को शो की चमचमाती ट्रॉफी के साथ साथ 15 लाख रुपए का कैश प्राइज भी मिला। जी हाँ, वहीं इनकी कोरियोग्राफर भावना खंडूजा को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिले। हालांकि दोस्तों शो के रनर अप 1st और 2nd और दोस्तों इनके बाद 4th और 5th पोजीशन पर रहने वाले कंटेस्टेंट्स को क्या कुछ मिला इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ मीडिया सोर्स की माने तो 1st रनर अप अंजलि को 3 लाख रुपए, 2nd रनर अप शिवांशु को 2 लाख रुपए और दोस्तों 4th और 5th पोजीशन पर रहने वाले कंटेस्टेंट्स अनिकेत चौहान और विपुल कांडवाल को 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज मनी के तौर पर मिला है। जी हां, इनके प्राइज मनी के बारे में फिनाले में नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों इंडियाज बेस्ट डांसर का यह शानदार सीजन आपको कैसा लगा, जिसके विनर बने कंटेस्टेंट समर्पण लामा।